अक्सर दहेज के लिए दुल्हन के घर से बारात लौटने की खबर सुनी है और देखी भी होगी, लेकिन ऐसा कम ही सुना होगा जहां दुल्हन ने फेरों से पहले बारात वापस कर दी हो। जी हां, यह हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में सामने आया है। यहां एक शादी समारोह के दौरान लड़के वालों के मिजाज देखकर साहसी दुल्हन ने बारात लौटा दी। दरअसल दूल्हा पक्ष सोने का मांग टिका न मिलने पर तमाम आरोप लगाने लगा। 5 लाख अतिरिक्त दहेज की मांग भी दोहरा दी गई। दुल्हन ये बर्दाश्त न कर सकी और ग्रेटर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करने से इनकार कर दिया। क्वारसी क्षेत्र के बेगम बाग निवासी चाय कारोबारी ने अपनी बेटी का रिश्ता ग्रेटर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तय किया था। रामघाट रोड स्थित मैरिज होम में गुरुवार रात बारात आ गई। जयमाला खाना पीना भी हो चुका था और देर रात 3 बजे फेरों का मुहूर्त था। बात तभी बिगड़ गई जब लड़के वाले ने मांग टीका मांगने लगे और जो लड़का पक्ष नहीं बनवाया था। लड़की की मां नीलम ने मांग टीका समेत सारे जेवर एक बक्से में रखे थे जिसकी चाबी पर्स में थी। पर्स चोरी हो चुका था और सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो एक लड़का पर्स लेकर जाते हुए दिखाई दिया। कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई तो लैपट पहुंची गई और उसमें लड़के वालों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये सब नाटक है, जेवर देना नहीं चाहते हैं, शादी में खर्चा कम किया है। 5 लाख रुपये की और डिमांड कर दी गई और विवाद बढ़ने लगा। विवाद बढ़ता देख बराती घराती आमने सामने हो गए और इसी बीच दुल्हन ने लड़के वालों को खरी खोटी सुनाते हुए शादी से इनकार कर दिया और कह दिया कि बारात वापस ले जाओ, वो ऐसे परिवार में शादी नहीं करेगी जहां बहू से ज्यादा दहेज को महत्व दिया जाता हो। हंगामे की खबर पाकर इंस्पेक्टर क्वारसी राघवेंद्र सिंह पुलिस बल लेकर पहुंच गए। लड़की वालों ने बताया कि शादी में 15 लाख रुपए लगाया गया था, 5 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। आरोप प्रत्यारोप के बाद इस बात पर समझौता हुआ कि लड़के वाले पूरा सामान रुपया आदि वापस करेंगे और लिखित समझौते के बाद बारात वापस नोएडा लौट गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। अच्छा, राजीनामा तो वैसे ही शादी के लिए आए हैं आप, मतलब इस फैसले से खुश हैं? नहीं, देखो डिसीजन हमने नहीं लिया ना, डिसीजन उन लोगों की साइड से हुआ है, तो ना हमने कभी मना किया ना हमारी साइड से कोई डिसीजन। आपने लड़की को मनाने की कोशिश की? वो अपने घर चली गई, मेरी उससे बात नहीं हुई। आपने फोन किया कोई? नहीं, मेरी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुई है उनसे, उनके मम्मी पापा से सिर्फ मेरी बात हुई। नीलम ऐश्वरी, क्या हुआ, किस तरह से शादी तय हुई थी, क्या हुआ पूरा बताइए। पहले शादी तो मुख्य धूमधाम से कर रहे थे, इसकी पूरी व्यवस्था थी शादी की बढ़िया। शादी की व्यवस्था होते होते ये बीच में हमसे मांग करने लगे। और कितना पैसा मांगा? 4-5 लाख और कह रहे थे हमें दे दो, हमने मना कर दिया। शादी कितने में तय हुई थी? हमारी शादी हुई थी 12 में तय। पूरे 12 दे दिए थे फिर भी ये मांग रहे थे और पैसे? क्या नहीं नहीं, कैश थोड़ा कैश मांगा था तो बाकी, और इसमें एडजस्ट और लड़की के कपड़े वगैरह सब कुछ इसमें। तो टीका बता रहे हैं कि टीका नहीं लड़की ने मतलब पहना था जिसके चलते टीका नहीं पहना था, तो मैंने ये कहा इनसे कि आर्टिफिशियल टीका उतरवा लीजिए और फेरे डलवा लीजिए, लेकिन ये तैयार नहीं हुए फेरे डालने के लिए। अब के वापस ले जा रहे हैं बराती? क्या हम बराती ये वापस ले जा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं इसलिए वापस ले जा रहे हैं। तो क्या मानती हैं, दहेज की प्रथा अभी तक खत्म नहीं हुई? जिस तरह से भावर के टाइम दहेज को लेकर सरकार एक तरफ कटबद्ध है, उसके उसी पक्ष में दहेज मांग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? दहेज मांग रहे हैं तो फिर जब लड़की मेरी कह रही है ये दहेज मांग रहे हैं तो ये तो मुझे आगे वहाँ भी परेशान करेंगे। लड़की ने शादी से मना कर दिया? लड़की ने शादी से जाने से मना कर रही है, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ से घर में जहाँ अभी ऐसा व्यवहार है मेरे साथ और मेरे मम्मी पापा के साथ अभी से ऐसा व्यवहार है, तो आगे ये क्या करेंगे। कहाँ से आई थी बारात? ग्रेटर नोएडा। लड़का क्या कर रहा था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोई किसी तरह कोई घटना नहीं है? नहीं तो बारात वापस जा रही है ना, तो क्या रीजन है इसका? थॉट्स नहीं मिल रहे और क्या विचार है? क्या विचार? हाँ, विचार क्या, मतभेद आ गया? अरे आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, विचार नहीं मिल रहे। नहीं तो बारात आई थी उसके बाद पैसे को लेके, पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या ओनली विचारों का खेला बस। दहेज वगैरह कुछ मांग? कुछ नहीं, कहता रहा ओनली थॉट्स नहीं मिल रहे बस, खत्म। लड़का तो बता रहे बहुत अच्छा है जो है, तो लड़की ने क्यों मना कर दिया? तो क्यों, तो जी लड़की जाने क्यों मना कर दिया? लड़की जाने, लड़की के परिवार जाने क्यों मना कर दी? लड़की के माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमसे 4-5 लाख रुपए और दे। कौन से माँ बाप कह रहे हैं सामने बात कर? कोई मतलब कहलवा दो ना, कह रहा हूँ कौन से माँ बाप कह रहे हैं? हाँ बताओ। आप मत करो, क्या करो,
अरे मैं जन्नत कचरी मीडिया वालों से ही बात करूं। सर के सामने सारा कुछ बोल चुके हैं तो अब आपको अलग से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।